कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से लगातार तीसरी बार सांसद निर्वाचित होने के बाद दिल्ली से पहली बार कोटा लौटे ओम बिरला से मिलने के लिए कैंप कार्यालय में लोगों का जमावड़ा लगा रहा। इसे लेकर रेजिडेंट एडिटर भंवर एस चारण ने ओम बिरला से की खास बातचीत। जनता से जुड़ाव ही शायद वो सबसे बड़ा फैक्टर है जिसके बूते ओम बिरला लगातार तीसरी बार कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने गए। लोकसभा स्पीकर का फिलहाल उनके पास दायित्व है और ये आप भीड़ देख सकते हैं। यहाँ सांसद बनने के बाद जब दिल्ली से बिरला लौटे हैं तो किस तरह से लोग उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, किस तरह से जमावड़ा लगातार स्पीकर कैंप कार्यालय में लगा हुआ है। कई संस्थाएं और कई संगठन हैं, उनके डेलीगेशन भी उनके पास पहुंच रहे हैं। बड़ी तादाद में जो आम लोग हैं वो भी स्पीकर से मुलाकात कर रहे हैं और इस वक्त जो जनभाव उपयोग हैं उनकी सुनवाई बिरला लगातार कर रहे हैं। ओम बिरला का आज कोटा में एक समीक्षा बैठक लेने का भी कार्यक्रम है जिसमें जो ग्रामीण इलाकों में चलने वाले विकास के काम हैं और बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनका वो रिव्यू करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको स्पीकर कैंप कार्यालय की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर जनता दरबार लगातार लगा हुआ है और संसदीय क्षेत्र के लोग लगातार ओम बिरला से मिलने के लिए पहुँच रहे हैं। लगातार तीसरी बार जनता ने ओम बिरला को कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से चुना है। आज आप दिल्ली से आए हैं और आते ही आपने जनता दरबार लगा दिया है। कोटा बूंदी मेरा परिवार है, यहाँ की जनता का बहुत प्यार स्नेह आशीर्वाद मिलता है और मेरी कोशिश रहती है जिस अपेक्षा आकांक्षाओं के साथ मुझे उन्हें चुनकर भेजा है उनकी अपेक्षा आकांक्षा पूरा करने का प्रयास करें। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि जनता के लिए सेवा करना ही हमारा कर्म है। हमारी कोशिश रहती है कि हम जनता जनार्दन के बीच में रहें, उनकी बातों को सुने, उनके अभावों को सुने और उनका समाधान करें। सर, नेहरू के बाद मोदी दूसरे ऐसे नेता हैं जो लगातार तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो NDA 3 किस तरह से देश को बदलने वाला है? निश्चित मोदी जी ने इस 10 साल के अंदर जो देश में नया बदलाव किया, देश को जिस ऊंचाइयों पर ले गए, आज भारत दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा नेतृत्व करने वाला भी देश है और दुनिया की अपेक्षाएँ भारत से है। दुनिया के बड़े बड़े व्यवसाय करने वाले, इंडस्ट्री सेक्टर वाले, सर्विस सेक्टर वाले लोग आज भारत आ रहे हैं और भारत की नीतियाँ, भारत की स्थायी नीतियाँ, देशों में बदलाव होता रहता है पर भारत एक ऐसा देश है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ करता है एक ऐसी नीतियाँ, ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं जो जल्दी परिवर्तन नहीं होते और परिवर्तन भी होते हैं तो जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप या इंडस्ट्री सर्विस सेक्टरों की अपेक्षाओं के अनुरूप होते हैं। इसके कारण लोगों को लगता है कि स्थायी मजबूत सरकार है और स्थिर मजबूत सरकार के कारण और मजबूत नेतृत्व के कारण आज दुनिया भारत की ओर देख रही है और इसीलिए भारत का विकास तेज़ी से बढ़ रहा है। मुझे लगता है जो तीसरा कार्यकाल है वो अपने आप में अभूतपूर्व कार्यकाल होगा, विकसित भारत के सपनों को साकार करने का कार्यकाल होगा। आखिरी सवाल, बड़ा सा, पहले BJP को अपने दम पे बहुमत, इस बार गठबंधन की सरकार है तो इससे कितना अंतर आ जाएगा? पहले भी NDA की सरकार थी, अब भी NDA की सरकार है। तो NDA की सरकार पहले भी थी, NDA की सरकार अब भी है। ओम बिरला लोकसभा स्पीकर, फिलहाल उनके पास दायित्व है स्पीकर का और अगले ही कुछ दिनों में स्पीकर चुना जाना है। इस बात की भी प्रबल संभावना है कि ओम बिरला फिर से स्पीकर चुने जा सकते हैं। हालांकि डी पुरंदेश्वरी BJP के आंध्र प्रदेश से आने वाली सांसद का भी इस पद के लिए नाम है, लेकिन ओम बिरला लगातार तीसरी बार कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से MP बने हैं और कोटा पहुंचने के बाद लगातार उन्हें बधाई देने वाले हैं और साथ में उनसे मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा।